कौन था गुलशन कुमार की हत्या में शामिल? किस वजह से हुई थी गुलशन जी की मृत्यु? क्या है लोगों को भूषण कुमार के प्रति हमदर्दी? सर गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। गुलशन कुमार रोज सुबह घर से निकलने से पहले शिव मंदिर जाता है, वहीं पर उसका काम खत्म करने वाले है। सोचिए इन शब्दों से ही शूटर के इरादों के बारे में क्या पता चलता है। ये सब बातें 12 अगस्त 1997 को की गई थी, जब बड़ी ही बेरहमी से 16 गोलियां दाग कर टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मारा गया था। 90 के दशक में जहां एक और गुलशन कुमार ने सिनेमाई संगीत की दुनिया को बदल कर रख दिया था, वहीं दाऊद इब्राहिम और उसके राइट हैंड माने जाने वाले अबू सलेम के इशारों पर उनकी हत्या कर दी गई। 12 अगस्त 1997 को जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उनके शरीर को 16 गोलियों से छलनी कर दिया गया। बताया जाता है कि अबू सुलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी थी। गुलशन कुमार ने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो अबू सलीम ने दो शार्प शूटरों को हत्या की सुपारी दे दी थी। यही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी राकेश मारिया ने खुद न्यूज एजेंसी IANS को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें उस साल अप्रैल महीने में ही एक मुखबिर ने अबू सलीम के प्लान की खबर दी थी। राकेश मारिया ने कहा, मैंने उस मुखबिर से पूछा कि कौन विकेट लेने वाला है, उसने जवाब दिया अबू सलेम। सर उसने अपने शूटर के साथ प्लान नक्की किया है। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सुलेम ने गुलशन कुमार के जान के बदले 10 करोड़ देने को कहा था। गुलशन कुमार ने कहा कि रुपये उसे देने के बजाय उन रुपयों से वह जम्मू में वैष्णो माता के मंदिर में भंडारा कराएंगे। क्या आप जानते हैं कि जम्मू में आज भी गुलशन कुमार के नाम से भंडारा चलता है? गुलशन कुमार की हत्या हुई उस दिन वो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिले गनमैन के बिना मंदिर गए थे। वो कुछ दिनों पहले बीमार हो गया था। कहा जाता है कि अगर उस दिन उनका गनमैन साथ होता तो शायद गुलशन कुमार की हत्या नहीं होती। कुमार को मारने वाले शूटर ने चीखे सुनाने के लिए अपने मालिक को फोन किया था। सोचिए ये दर्द भरे पल उन लोगों के लिए कैसे रहे होंगे जिन्होंने ये सब सामने से देखा था, जो गुलशन जी के फैंस थे। अब उनकी यही कहानी दर्शकों को दिखाने का जिम्मा उनके बेटे भूषण कुमार ने लिया है। टी सीरीज की आने वाली फिल्म मोगुल द गुलशन कुमार स्टोरी उन्हीं की कहानी है। अब ये टी सीरीज की फिल्म है तो इसमें गानों का होना लाजमी है। यही नहीं, आपको बता दें कि फिल्म में गुलशन कुमार को फीचर करने वाले कई मशहूर भजनों को भी रिक्रिएट किया जाएगा, जिसके लिए फिलहाल कई अलग अलग सिंगर से बात चल रही है। इस लिस्ट में सोनू कक्कड़ से लेकर सुखविंदर सिंह समेत कई सिंगर्स के नाम शामिल हैं, जिसके बारे में भूषण को लगता है कि उन पर भजन संगीत अच्छे लग सकते हैं। फिल्म के गानों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें हम आपके लिए अगले वीडियो में जल्द ही लेकर आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।